अब देखिए इसमें पार्ट दो लाख की चूड़ियों के प्रश्न उत्तर। तो देखिए यहाँ पर इसका प्रश्न पहला कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था। तो चाव का मतलब है यहाँ पर उत्साह, इसका मतलब है इच्छा, तीव्र इच्छा। तो लेखक अपने मामा के गांव तीव्र इच्छा या चाव से क्यों जाता था, और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। ये है पहला प्रश्न। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर यह है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से मतलब तीव्र इच्छा से इसलिए जाता था क्योंकि जो मामा के गांव में बदलू नाम का मनिहार रहता था, ठीक है, तो मामा के गांव में जो बदलू मनिहार था उसे लाख की रंग बिरंगी मनमोहक गोलियां दिया करता था, ठीक है, और यही गोलियां लेखक को बहुत अच्छी लगती थी, उसको बहुत प्रिय थी, इसलिए लेखक मामा के गांव जाता था। दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है कि बदलू लेखक के लिए दूध की मलाई बचाकर रखता था और उसे दिया करता था। तो बदलू मनिहार के यहाँ पर एक गाय थी, ठीक है, उससे दूध निकाला जाता था और दूध की जो मलाई होती थी तो लेखक को बदलू मनिहार दूध की मलाई दिया करता था, इसलिए लेखक मामा के गांव ज़्यादा जाता था। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट है कि लेखक को बदलू के घर पर स्वादिष्ट आम खाने को मिलते थे। तो जो बदलू काका था लेखक को स्वादिष्ट आम दिया करते थे, आम खाता था लेखक, इसलिए लेखक बदलू के यहाँ पर जाता था। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट है कि गर्मी की छुट्टियों में वहाँ जाने पर उसका मन बहल जाता था। किसका मन बहल जाता था? लेखक का मन बहल जाता था। और बदलू लेखक के मामा के गांव का ही रहने वाला था, तो जब मामा के घर जाता था लेखक तो बदलू के यहाँ पर भी जरूर जाता था, ठीक है, और इस तरह से बदलू को मामा कहना चाहता था, लेकिन बदलू को मामा न कहकर लेखक बदलू काका कहता था क्योंकि वहाँ पर गांव के जो सारे बच्चे थे सारे बच्चे बदलू को काका कहते थे, इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है पहला प्रश्न और उसका उत्तर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न दूसरा। तो प्रश्न दूसरा है कि वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, ठीक है। तो वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? तो वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब होता है कि प्राचीन काल में रुपए पैसे तो चलते नहीं थे, तो पुराने समय में क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई सामान लेना चाहता है तो उसके पास जो वस्तु है उसको दे देता था और उसके बदले दूसरी वस्तु ले लेता था। जैसे कुछ लोग अनाज देकर सब्जियां खरीद लेते हैं, कुछ लोग अनाज देकर फल खरीद लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जैसे किसी को भैंस चाहिए और किसी के पास गाय है, तो अगर किसी को भैंस चाहिए तो गाय दे देगा और भैंस ले आएगा। आ रहा समझ में? तो ऐसे उस समय में सजीव और निर्जीव वस्तुओं को लिया दिया जाता था जिसको हम वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सीधा सा एक अर्थ याद रखना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती है या दी जाती है, तो इसी प्रथा को इसी पद्धति को वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में वस्तु पद्धति में आए बदलाव, तो जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता चला गया वैसे वैसे वस्तु विनिमय पद्धति में भी परिवर्तन होता चला गया, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और इस पद्धति में निम्नलिखित कारणों से बदलाव आए हैं। तो क्या बदलाव आए हैं? तो पहला बदलाव है कि अपवाद को छोड़कर यह पद्धति बहुत कम ही प्रयुक्त होती है। मतलब यह हुआ कि हमारे भारत में हमारे देश में लगभग यह वस्तु विनिमय पद्धति समाप्त सी हो चुकी है। अब तो बहुत ही कम वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में है, ज़्यादातर तो सब रुपए पैसों से ही सामान खरीदते हैं, वो सामान बेचते भी हैं, ठीक है। इसके बाद में इस पद्धति को जारी रखने के लिए अनेक वस्तुओं का संग्रह करना कठिन हो गया है और यह एक असंभव सा कार्य है, ठीक है। शहरों में आपने देखा होगा कि सामान के बदले सामान कौन देता है? बहुत कम, ठीक है, क्योंकि सामान के बदले का सामान दिया जाएगा, वस्तु के बदले वस्तु दी जाएगी ली जाएगी, तो ढेर सारी वस्तुओं को इकट्ठा करके रखना पड़ेगा जो कि एक कठिन कार्य है, असंभव कार्य है। फिर इसके बाद में जरूरी नहीं कि बदले में देने के लिए हमारे पास जो वस्तु है लेने वाला उसको
उसकी आवश्यकता हो। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह है कि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम खरीदने के बदले जो वस्तु बेचने वाले को दे रहे हैं उसको उस वस्तु की आवश्यकता है। तो इसलिए अब ये वस्तु विनिमय प्रथा भी धीरे धीरे बंद हो गई है, ठीक है। अब इसका प्रचलन बहुत कम हो चुका है। फिर इसके बाद में एक सजीव गाय, भैंस, बकरी आदि के बदले कई वस्तुएं नहीं मिल सकती और न ही उसकी सजीव वस्तु का बंटवारा संभव है। आ रहा समझ में? मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये है कि एक सजीव, सजीव मतलब जो जीवित है, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, इसके बदले कोई वस्तु अब नहीं मिल सकती और न ही उस सजीव वस्तु का बंटवारा संभव है। आ रहा समझ में? तो इसका बंटवारा हो सकता है क्या? गाय का, भैंस का, बकरी का? नहीं हो सकता। फिर इसके बाद में इस वैज्ञानिक युग में वस्तु विनिमय पद्धति बनाए रखना भी संभव नहीं है। आ रहा समझ में? क्योंकि विज्ञान का ज़माना है। अब इस विज्ञान के ज़माने में वस्तु विनिमय पद्धति को बनाए रखना संभव नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं कि धीरे 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 जो वस्तु विनिमय पद्धति है इसमें बदलाव आया है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा। तो प्रश्न तीसरा क्या है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं और पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस मशीनी युग में कितने लोगों को हाथ काट दिए हैं। हाथ काटने से मतलब ये कि कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है। तो पंक्ति में किस व्यथा का, किस समस्या का वर्णन किया गया या किस समस्या की ओर संकेत किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, ठीक है। तो पंक्ति में लेखक ने मशीनीकरण से उत्पन्न कड़वी सच्चाई की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है और यह कड़वी सच्चाई मात्र सच्चाई न रहकर समाज में एक बड़े वर्ग के लिए व्यथा भी बन गई है, परेशानी भी बन गई है। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि मशीनों के इस युग में कई लोगों को बेरोजगार होना पड़ता है या कई लोग इसमें बेरोजगार हो चुके हैं, यह एक कड़वी सच्चाई है। आ रहा समझ में? और यह वर्तमान में कड़वी सच्चाई न रहकर एक समस्या बन गई, एक व्यथा बन गई, एक बीमारी हो गई है। व्यथा का मतलब क्या होता है? तो व्यथा का मतलब होता है परेशानी, समस्या, बीमारी। आ रहा समझ में? तो अब एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, ठीक है। अब इस मशीनी युग में कुटीर उद्योग धंधों को अपूर्णीय क्षति हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? तो कुटीर धंधों का मतलब क्या हो जाता है या कुटीर उद्योग धंधों का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि जो लोग हाथ से सामान बनाते हैं, जैसे अगरबत्ती बनाते हैं, लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है, मोमबत्ती बनाते हैं, अचार उद्योग है, पापड़ उद्योग है, ये सब क्या है? ये सब कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब मशीनों का ज़माना आ गया है, तो मशीनों के ज़माने के कारण या मशीनों के आने से ये जो उद्योग हैं ये धीरे धीरे अब ख़त्म होते जा रहे हैं और इनको बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर गांव में रहने वाली जनता जिन काम धंधों को करते हुए अपनी आजीविका चलाती थी, वे सब आज मशीनों से हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहले गांव में जो लोग हाथ से सामान बनाया करते थे, अब वे सारे सामान मशीनों से बनाए जाने लगे हैं, जिससे क्या होने लगा? तो जिससे अब लोग बेरोजगार होने लगे हैं, ठीक है। और मशीनों से बने सामानों की गुणवत्ता अच्छी भी होती है और उसका रेट भी, मूल्य भी कम होता है। मतलब ये है कि जो हाथ से सामान बनाते हैं और मशीन से सामान बनाते हैं, तो मशीन से बनाए गए सामान की क्वालिटी भी अच्छी होती है और जो हाथ से बनाए गए सामान है ये ज़्यादा मूल्य पर बिकते हैं, लेकिन जो मशीनों से बनाए गए सामान है वो सस्ते बिकते हैं। तो फिर लोग ज़्यादा किसको खरीदते हैं? तो लोग ज़्यादा मशीन से बनाई हुई चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं। इससे समाज के एक वर्ग पर दोहरी मार पड़ी है, उनके काम धंधे बंद होने से रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब होता है कि जब हमारे भारत में, हमारे देश में मशीनों का युग आ चुका है, तो इसमें एक वर्ग पर दोहरी मार पड़ रही है। तो दोहरी मार कैसे पड़ रही है? तो एक तो उसका उद्योग धंधा खत्म हो गया है, ठीक है, और दूसरी तरफ वह बेरोजगार हो गया है, जिससे रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। मतलब उसको रोजी रोटी भी नसीब नहीं हो रही है और वह बेरोजगार हो चुका है, उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं बचा है, ठीक है, और उनके पास कोई काम ना होने से असक्त हो चुके हैं, मतलब कमज़ोर हो गए हैं।
फिर इसके बाद में लाचार होकर समाज पर बोझ बन गए हैं। अब उनके पास कोई उद्योग धंधा नहीं है, आय का कोई स्रोत नहीं है, अब ये लोग बेरोजगार हो चुके हैं और बेरोजगार होने के कारण ये समाज पर एक बोझ बन गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उनके हाथों में गुण होने पर भी बेकार की वस्तु बनकर रह गए हैं, और लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। तो लेखक ने देखा कि जो बदलू काका था, तो मशीनों के उपयोग के कारण बदलू काका बेरोजगार हो गया था, उसका उद्योग धंधा खत्म हो गया है, बेरोजगार हो चुका है, उसको कोई आय प्राप्त नहीं हो रही है और वह समाज पर बोझ बन चुका है। तो इसी व्यथा को, इसी समस्या को लेखक ने संकेत के तौर पर व्यक्त किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न चौथा। अब प्रश्न चौथा है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। ठीक है, तो उत्तर क्या है इसका? तो इसका उत्तर ये है कि बदलू के मन की व्यथा, मतलब उसके मन में क्या परेशानी थी जो लेखक के सामने छिपी न रह सकी, है ना। तो इसमें यहाँ पर देखिए कि बदलू चूड़ी बनाने वाला एक कुशल कारीगर था, बदलू चूड़ी बनाने में माहिर था, उधर पूरे क्षेत्र में मशहूर था। ठीक है, और उसकी बनाई गई चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ गांव की सभी औरतें पहनती थी, हरा समझ में। और उस समय वह गांव की किसी औरत के कांच, उनके हाथ में अगर कांच की चूड़ियाँ देखता था तो बहुत कुड़ता था, वह चिढ़ता था और कभी कभी तो दो चार बात भी सुना देता था। ठीक है, समय बीतता गया और उसके गांव की ही महिलाएं मशीनों से बनी हुई कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर देती हैं। और जब महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर देती है तो उसकी जो बनाई गई लाख की चूड़ियाँ थी वो गांव में कम बिकने लगी, गांव में लाख की चूड़ियों की पूछ परख कम हो गई। फिर इसके बाद में उसका काम धीरे धीरे बंद होने लगा। किसका काम बंद होने लगा? बदलू काका का काम बंद होने लगा, उसको आय बहुत कम होने लगी। ठीक है, और इसके अलावा शादी के समय जिस सुहाग के जोड़े की वह मुँह मांगी कीमत लेता था वह भी उससे प्राप्त न होने लगा। लेकिन क्या होने लगा? तो जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था बदलू, और विवाह के समय वह मुँह मांगी कीमत लेता था और लोगों से देते थे, लेकिन जब मशीनों से कांच की चूड़ियाँ बनाई जाने लगी तो लोग फिर इसे शादी के समय, विवाह के समय बदलू से चूड़ियाँ नहीं खरीदते थे। लोग क्या करते थे? शहर चले जाते थे और शहर से कांच की चूड़ियाँ खरीद कर ले आते थे। ठीक है, फिर इन कांच की चूड़ियों को देखकर वह कुड़ने लगा था। कौन? बदलू कुड़ने लगा। और कुशल कारीगर अब वह हर कलाई में कांच की चूड़ियाँ ही देखता था। ठीक है, जो बदलू काका था तो बदलू काका ने देखा कि सभी महिलाएं कांच की चूड़ियाँ खरीद कर लाती हैं और पहनती हैं, तो यह देखकर उसे बहुत दुख होता था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता था, वह मजबूर हो जाता था, विवश होकर रह गया था। और उसकी यही व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी, उसकी यही समस्या, यही व्यथा, यही परेशानी लेखक से छिपी नहीं रह सकी। आ रहा समझ में? यह आपको ध्यान रखना है। तो ये है प्रश्न चौथा जिसका उत्तर हमने आपको बताया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न पांचवा। तो प्रश्न पांचवा क्या है? तो प्रश्न पांचवा है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। ठीक है, अब मशीनी युग से बदलू के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए थे, तो कौन कौन से बदलाव आए थे? तो पहला बदलाव यहाँ पर देखिए कि मशीनी युग के कारण उसके गांव की महिलाओं की कलाइयों पर कांच की चूड़ियाँ सुशोभित होने लगी, और इससे एक कुशल कारीगर उपेक्षित होकर रह गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मशीनों का युग आया तो मशीनों के युग में जो लाख की चूड़ियाँ हाथ से बनाई जाती थी, अब उसके स्थान पर कांच की चूड़ियाँ मशीनों से बनाई जाने लगी। ठीक है, और कम कीमत में महिलाओं को प्राप्त होने लगी, जिसके कारण महिलाएं लाख की चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा पहनने लगी। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि जिसके कारण जो बदलू काका था, चूड़ियाँ बनाने में इसे महारत हासिल थी, यह भी धीरे धीरे उपेक्षित होकर रह गया था। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है कि उसकी बनाई गई लाख की चूड़ियों की पूछ परख घट गई थी, और इससे उसका पितृक व्यवसाय बंद हो गया था। ठीक है, जब गांव की सारी महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनने लगीं,
तो इसका जो लाख की चूड़ी का बनाने का व्यवसाय था यह धीरे धीरे खत्म हो गया, बंद हो गया। और इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि इस पैसे से होने वाली आय समाप्त हो गई। तो बदलू को लाख की चूड़ियों के व्यवसाय से जो आय प्राप्त होती थी वह आय भी धीरे धीरे उसकी खत्म हो गई, क्योंकि लोग अब लाख की चूड़ियाँ खरीदते ही नहीं हैं, महिलाएं लाख की चूड़ियाँ नहीं खरीदती हैं, महिलाएं कांच की चूड़ियाँ खरीद कर लाती हैं बाज़ार से, शहर से, और कांच की चूड़ियाँ ही पहनना पसंद करती हैं। जिससे क्या हुआ कि इसको आय ना होने लगी, आय बिल्कुल ना के बराबर हो गई, इसको कोई आय प्राप्त फिर नहीं होती थी। इसके बाद में शादी विवाह जैसे शुभ अवसर पर सुहाग के जोड़े के रूप में उसकी बनाई गई चूड़ियों को विशेष महत्व दिया जाता था, किंतु उसका स्थान अब कांच की चूड़ियों ने ले लिया। तो पहले क्या होता था, तो पहले जब किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर गांव में शादी होती थी या विवाह होता था तो बदलू के द्वारा बनाई गई चूड़ियों को बहुत महत्व दिया जाता था, लेकिन जब मशीनों का युग आया तो मशीनों के युग में महिलाएं अब लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, अब कांच की चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं। आ रहा समझ में? तो उसकी जो लाख की चूड़ियाँ थी उसका स्थान किसने ले लिया, कांच की चूड़ियों ने ले लिया। इसके बाद फिर लास्ट पॉइंट क्या है, तो लास्ट पॉइंट है कि अपने व्यवसाय की उपेक्षा होते देख कर बदलू लाचार हो गया, अशक्त हो गया, मतलब कमज़ोर हो गया और कुंठित हो गया था। आ रहा समझ में? तो ये सब समस्याएं थीं जो मशीनी युग से बदलू के जीवन में बदलाव आया, और इन मशीनों के ज़्यादा उपयोग से बदलू बेरोजगार हो चुका था, उसको आय बिल्कुल भी नहीं होती थी, ठीक है, वह एक तरह से बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया था। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जब मशीनों का ज़्यादा युग आ गया तो बदलू के यहाँ पर जब पैसे की समस्या होती है तो उसके पास जो गाय थी तो गाय भी वह बेच देता है, क्योंकि गाय को खिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास भी कुछ खाने पीने का सामान नहीं रहा, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाख की चूड़ियाँ कहानी इस प्रकार से ख़त्म होती है। तो इसका सार क्या निकला, तो इसका सार यह है कि हमारे भारत में, हमारे देश में मशीनों के उपयोग से, मशीनों के यूज से हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो कुटीर उद्योग थे वे धीरे धीरे अब समाप्त हो रहे हैं। जैसे बदलू का उद्योग या बदलू का जो धंधा था, बदलू का जो व्यवसाय था वह समाप्त हो गया था, ऐसे ही कुटीर उद्योग धीरे धीरे अब बंद हो चुके हैं, जिसके कारण कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो आई होप बच्चों आप लोग इस कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप परीक्षा में जो आपसे पूछा जाए उसको अच्छे से लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।